लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। निचलौल में पॉलिथीन को लेकर अधिशासी अधिकारी ने किया छापेमार कार्यवाही। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलौल में आज नगर पंचायत अधिकारी व कर्मचारियों ने कस्बे के लगभग दर्जन भर दुकानों पर छापेमारी किया और समन शुल्क वसूल किया है। बता दें कि कस्बा निचलौल में अधिशासी अधिकारी देवेंद्र कुमार त्रिपाठी कस्बे के राहुल किराना स्टोर से 128 किलोग्राम, प्रदीप किराना स्टोर से 450 ग्राम पॉलिथीन बरामद किया गया, जिसमें समन शुल्क के रूप में 54,000 रुपए वसूली किया गया है। साथ ही यो निचलौल द्वारा बताया कि पॉलिथीन पर पूर्व प्रतिबंध होने के बाद भी कस्बे में किराना, सब्जी व फल व्यवसायियों द्वारा पॉलिथीन का प्रयोग किया जा रहा है, जिसकी लगातार सूचना मिल रहा था, जिसके आधार पर जरिए मुखबिर छापेमार कार्रवाई किया गया। प्रतिदिन अब जांच और कार्रवाई चलेगी। पकड़े जाने वालों से समन शुल्क वसूल किया जाएगा तथा दोबारा वो लोग जिनसे समन शुल्क वसूल किया गया है पॉलिथीन बेचते हुए पकड़े जाते हैं तो दंडात्मक कार्रवाई किया जाएगा, आदि बातें सैटेलाइट न्यूज से कही। में पॉलिथीन प्रतिबंध है, पूरे प्रदेश में प्रतिबंधित है, जिस क्रम में जो है आज पांडे मोहल्ले बारनी वार्ड में पॉलिथीन के प्रतिबंध के लिए छापामारी किया गया है। दो दुकानों पे श्री प्रदीप गुप्ता जी और राहुल जी द्वारा जो है दुकानों पे पॉलिथीन रखे थे, जिसे पकड़ा गया है। राहुल जी के वहाँ 1 क्विंटल 28 किलोग्राम पॉलिथीन पकड़ा गया है, जिसका जुर्माना 51,000 लगाया गया है। प्रदीप जी के वहाँ 450 ग्राम पकड़ा गया, जिसका जुर्माना 3,000 लगाया गया है। अन्य आगे कार्रवाई कर की जारी रहेगी, डेली छापेमारी की जाएगी, कोशिश होगा कि ये पॉलिथीन मुक्त नगर पंचायत। यूपी के जनपद महाराजगंज के निचलौल से मोहम्मद आलम व अंकित केडिया की रिपोर्ट।